भोपाल रेलवे स्टेशन पर शनिवार हुए गैंगरेप के मामले में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपित अफसरों राजेश तिवारी और आलोक मालवीय को निलंबित कर दिया है। मंडल में राजेश तिवारी डीआरएम कार्यालय में सीनियर सेक्शन इंजीनियर सेफ्टी और आलोक मालवीय भोपाल स्टेशन पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर विद्युत के पद पर कार्यरत थे। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजेश तिवारी और आलोक मालवीय को गिरफ्तार कर लिया है और डीआरएम ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। फरियादिया है, 22 साल की बच्ची महोबा की रहने वाली है। वो सुबह यहाँ भोपाल एक्सप्रेस से लगभग 7 बजे यहाँ पर आए थे और एक राजेश तिवारी हैं, यहाँ सेफ्टी काउंसलर का काम करते हैं, यहाँ पे रेलवे विभाग में है, वो बताते हैं अपने आप को। वो उनके साथ संपर्क में थी, कुछ उनको ऐसा बताया गया था कोई जॉब वगैरह को लेकर। वो यहाँ आई और उनको सुबह उनको जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 ऊपर एक रेस्ट था उसे एक ऑफिसर्स का इनका रेलवे का उसमें उनको ठहराया गया राजेश तिवारी ने। उसके बाद फिर वो पुनः आए हैं वो 11 बजे, उनके साथ कोई और एक व्यक्ति और आया था, उसको फरियादियाँ नहीं पहचान पा रही है। उसके साथ एक और आए थे व्यक्ति, इन दो लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, इस तरह की उन्होंने रिपोर्ट की है। उस पर यहाँ पर 376D 323 328 का मामला दर्ज किया गया है और हम अभी राजेश तिवारी से पूछताछ कर रहे हैं। सर दोनों आरोपी के दूसरा जो आरोपी उसको भी दूसरे आरोपी को वो रिकवरेज नहीं कर पा रही, पहचान नहीं पा रही है, लेकिन हम आलोक तिवारी से भी आलोक मालवीय से भी बात कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला वो ऐसा बता रहे हैं फरियादी।